हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो अध्याय में हमने जन्म पूर्व विकास या गर्भकालीन विकास के विषय में विस्तार से पढ़ा था कि कैसे माँ के गर्भ के अंदर शिशु का विकास होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि कैसे गर्भकाल के दौरान शिशु को परिवेशी कारक, मतलब उसके आसपास के जो भी कारक होते हैं, उसके आसपास क्या है, माँ का गर्भ। तो माँ के गर्भ के अंदर बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। आज हम उन्हीं कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ टीरेटोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। टीरेटोजन क्या हैं? टीरेटोजन्स वे समस्त वातावरणीय कारक हैं जो गर्भकालीन विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये टीरेटोजन शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक वर्ड से हुई है, जिस ग्रीक वर्ड है टेरास, जिसका अर्थ है कुछ मालफॉर्मेशन या कुछ असामान्य विकास, कुछ अविकसित, कुछ या विकास में कुछ विकार। तो इसी से ये टेराटोजन शब्द बना है। अब ये टेराटोजन्स गर्भकालीन विकास को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन कैसे प्रभावित करते हैं या कितनी मात्रा में प्रभावित करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है। पहला, टेराटोजन्स की मात्रा और प्रदर्शन काल की अवधि क्या है। मतलब टेराटोजन मतलब जो वातावरणीय कारक भ्रूण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, उस कारक के संपर्क में गर्भस्थ शिशु किस अवस्था में आया है। आपको मैंने बताया था कि गर्भकालीन विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो वो इन तीनों में से कौन सी अवस्था में उसके संपर्क में आया है, इस बात पर निर्भर करेगा। अलग अलग अवस्थाओं में एक ही टीरेटोजन का अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। किसी काल में उसका प्रभाव बहुत गंभीर होता है, किसी में बिल्कुल हल्का सा प्रभाव होकर रह जाता है। तो किस समय वो संपर्क में आया है, मतलब अब गर्भस्थ शिशु कैसे संपर्क में आएगा, जब माँ उस नकारात्मक कारक के संपर्क में आई होगी। तो माँ किस समय, उसके गर्भ का कौन सा महीना चल रहा था जब वो संपर्क में आई है, इस बात पर निर्भर करेगा। दूसरा कारक ये है कि माँ और शिशु की अनुवांशिक रचना। आपको मैंने पिछले अध्याय में बच्चों समझाया था कि अनुवांशिक की जन्म पूर्व विकास को अनुवांशिकी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसको हमने विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी अनुवांशिक रचना कैसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ माँ और शिशु दोनों ऐसे होंगे जिन पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव बहुत गहरा नहीं पड़ता। जैसे अभी आप वर्तमान में देखिए, कोरोना के संपर्क में कह रहे हैं बहुत लोग आए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो रोगग्रस्त होकर अस्पताल में पहुँच गए हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हल्का फुल्की दिक्कत हुई है, उन्होंने घर में रहकर ही वो ठीक हो गए हैं। और बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो संपर्क में आए हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण ही प्रकट नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति की खुद की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है, और प्रतिरोधक क्षमता गर्भकाल में अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करती है। तो अगर उसके अनुवांशिकी कारक अनुवांशिकी रूप से अगर वो बहुत मजबूत है, उसके ऊपर टीरेटोजन का प्रभाव कम होगा। अनुवांशिक रूप से अगर वो कमज़ोर है तो उस पर अधिक प्रभाव होगा। तीसरा कारक जो प्रभावित डालेगा वो है कि कितने कारक एक साथ उपस्थित हैं। मतलब जैसे मान लो टीरेटोजन कोई रोग है, ठीक है, तो रोग है स्त्री को, रोग हो गया गर्भवती स्त्री को, और साथ साथ वो कुपोषित भी है। सोचिए, तो कुपोषण की वजह से भी उसमें कई समस्याएं होंगी। इसके अलावा वो बहुत तनाव में भी है,
जैसे मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो स्त्री एक तो संवेगात्मक रूप से तनाव में है, इसकी वजह से वो भोजन नहीं कर रही, तो कुपोषण की स्थिति भी है, और ऊपर से उसको कोई रोग हो गया। तो अगर बहुत सारे कारक एक साथ मिल जाते हैं तो शिशु के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। इसके विपरीत टेरेटो जिनके संपर्क में आई लेकिन अन्य कोई कारक, जैसे अभी आप हम देख रहे हैं, अभी ज्वलंत उदाहरण है कि कोरोना उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है जिनमें पहले से कोई रोग है। जिन लोगों को कोई भी पहले से रोग है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है या हृदय रोग है, वो लोग इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी मृत्यु भी अधिक हो रही है। तो इसी तरह से गर्भकाल के अंदर भी बच्चों, अगर एक ही कारक है तो उसका प्रभाव इतना गहरा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे कारक एक साथ होंगे तो उसका प्रभाव गहरा होगा। और अंतिम कारक का वो है गर्भस्थ शिशु के विकास का कौन सा चरण है, कौन सा संवेदी काल कहलाते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम पॉइंट के उस संदर्भ में कि वो कौन से काल में है, मतलब पहले चरण में है, डिम्बावस्था में है, पिंडावस्था में है, भ्रूणावस्था में। पहले जो पॉइंट का संदर्भ थोड़ा भिन्न है बच्चों, उसका ये है कि टेरोटेजन की मात्रा कितनी है, मतलब कितने ज़्यादा मात्रा में टेराइटोजन के संपर्क में आया है। जैसे कोरोना का वायरस है, बहुत सारे होंगे तभी वो व्यक्ति को संक्रमित करेंगे, इसी तरह से टेरोटेजन की मात्रा अगर कम होगी तो स्त्री पर प्रभाव नहीं होगा, या केवल स्त्री पर ही प्रभाव होकर रह जाएगा, शिशु तक नहीं पहुंचेगा। अगर मात्रा बहुत सारी होगी तो माता में भी प्रवेश कर जाएंगे और शिशु में भी प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह से वो कितने लंबे समय तक उस टेरोटेजन के संपर्क में आई है, जैसे अगर वो अल्पकाल के लिए टेरेटोजन के संपर्क में आई हो तो उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव नहीं होगा, और अगर वो दीर्घकाल तक किसी भी नकारात्मक कारक के संपर्क में रहेगी तो उसका प्रभाव गहरा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और जो अंतिम जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि चरण कौन कौन से हैं, मतलब गर्भावस्था का पहला चरण है डिम्बावस्था है, पिंडावस्था है अथवा भ्रूणावस्था है। इसको हम अगली स्क्रीन पर और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। संवेदी काल या सेंसिटिव पीरियड क्या होता है बेटा? कुछ अलग अलग टेरेटोजन के लिए देखा गया है कि संवेदी काल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किस काल में, किस चरण में, गर्भावस्था के किस चरण में टेरेटोजन का प्रभाव अत्यधिक होता है और किस में हल्का सा होकर निकल जाता है? जैसे डिम्बावस्था, डिम्बावस्था वो अवस्था है जब निषेचित डिम्ब निषेचन के पश्चात अंडवाहिनी नलिका की यात्रा करते हुए मुख्य गुहा की ओर जाता है और मुख्य गुहा में जाकर रोपित हो जाता है, ठीक है ना? रोपित होने से पहले अगर टेरेटोजन का कोई प्रभाव होगा या तो वो होगा ही नहीं, प्रभाव होगा तो क्या होगा, गर्भ रोपित ही नहीं होगा, मतलब गर्भावस्था पूरी तरह से आरंभ हुई नहीं होगी। जीवन तो आरंभ हुआ था लेकिन वो नष्ट हो जाएगा और स्त्री का मासिक धर्म आ जाएगा और उसका गर्भरोपण होगा ही नहीं। समझ में आई बच्चों? पिंडावस्था, पिंडावस्था वो अवस्था है जब हमारे विभिन्न अंगों का निर्माण आरंभ हो रहा होता है, चाहे वो हमारा हृदय है, फुफ्फुस है, हमारे विभिन्न पाचन तंत्र के अंग हैं, मूत्र उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं, हाथ पैर धड़ सिर सबका विकास हो रहा होगा, मस्तिष्क का विकास भी आरंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में नींव रखी जाती है सब अंगों की। तो सोचिए नींव जिस चीज़ की रखी जाएगी, मकान भवन का हम निर्माण कर रहे हैं और नींव में ही कुछ नुक्स आ गया तो भवन कैसे खड़ा होगा? ठीक इसी तरह से पिंडावस्था के दौरान, निर्माण के दौरान अगर कोई टिरेटोजन के संपर्क में माता आती है और वो गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाता है तो उसका अत्यंत घातक प्रभाव होता है। जिस अंग का निर्माण हो रहा होता है वो उस क्षेत्र में अगर टेराइटोजन का प्रभाव होता है तो वहाँ पर विकार हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए पिंडावस्था मतलब 14 दिन से लेकर 2 माह तक की अवस्था सबसे ज़्यादा संवेदी काल माना जाता है, ठीक है बच्चों? भ्रूणावस्था जो है, भ्रूणावस्था में हमारे जो अंगों का नींव पिंडावस्था में रखी गई थी उन्हीं अंगों का अब पूरा विकास हो रहा होता है। तो
टिरेटोजन का प्रभाव तो होता है लेकिन उतना गहरा नहीं होता जितना पिंडावस्था में होता है। लेकिन फिर भी कुछ अंग जिनका विकास भ्रूणावस्था के अंतिम चरण में बहुत तीव्रता से होता है, जैसे हमारे मस्तिष्क हैं, नेत्र हैं, जननांग वगैरह हैं, वो सब प्रभावित हो सकते हैं। ये संवेदी काल का और अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने आपको ये चित्र दिखाना चाहती हूँ बच्चों। इस चित्र को आप थोड़ा जूम करके देखिएगा। इसमें दिखाया है, देखिए भिन्न भिन्न रंगों से, सबसे ऊपर की उसमें देखिए आप रो में, सबसे ऊपर की जो रो है उसके अंदर देखिए भिन्न भिन्न रंग हैं, भिन्न भिन्न रंग से भिन्न भिन्न काल दिखाए गए हैं। और जो नीचे अंक लिखे हैं 1, 2, 3, 4, ये सप्ताह हैं ना, कौन से सप्ताह में। तो देखिए प्रथम 2 सप्ताह तो हमारा डिम्बावस्था का काल होता है, तो डिम्बावस्था के काल में ये दर्शा रहे हैं। मैं इसको ज़रा जूम करके दिखाती हूँ आपको। डिम्बावस्था में टिरेटोजन का प्रभाव सामान्यतः नहीं होता है। क्यों? अगर हो भी गया प्रभाव तो भ्रूण का रोपण ही नहीं हो पाता और भ्रूण निकल जाता है, तो उसकी मृत्यु हो गई मतलब, ठीक है। तो ये पहले 2 सप्ताह का काल हुआ, फिर सप्ताह से लेकर और 8 सप्ताह तक, मतलब 14 दिन से लेकर 2 महीने तक का काल, जिसको हम कहते हैं पिंडावस्था। देखो बच्चों, इसमें दिखाया गया है, इस चित्र के अंदर ये दिखाया गया है, जो काले काले बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, ये बिंदु उन अंगों को दर्शा रहे हैं जिन पर टिरेटोजन का प्रभाव हो जाता है। अब आप इस चित्र से आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि इन पिंडावस्था में ये काले बिंदुओं की संख्या कितनी अधिक है, क्योंकि इन सब अंगों का निर्माण आरंभ ही हुआ है और उनके ऊपर किसी टिरेटोजन का आक्रमण हो गया है, तो ये अंग पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं पाते हैं। तो आप इस चित्र को जब जूम करके देखेंगे तो आपको विभिन्न अंग का दिखाई दे जाएगा कि उनमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और सबसे अंतिम वाला जो है 9 सप्ताह से लेकर 38 सप्ताह तक का जो काल है, इसमें आरंभिक 2 महीनों में तो दिखाया है, आरंभिक 2 सप्ताह में 9 सप्ताह से 16 सप्ताह के बीच में भी दिखाया है कि मस्तिष्क और देखिए ये जनन अंग जो हैं इनके ऊपर इनका घातक प्रभाव हो सकता है। इसमें देखिए अंगों के नाम भी लिखे हुए हैं कि किस समय कौन से अंग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है। तो इस संवेदी काल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे विभिन्न कारक कैसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं, परिवेशी कारक जो कि गर्भवती स्त्री के शिशु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दवाएं। बच्चों देखो, दवा भी हम 2 प्रकार से लेते हैं, एक तो वो होती हैं जो कि हम चिकित्सक के परामर्श से लेते हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हम चिकित्सक के परामर्श के बिना भी ले लेते हैं। हल्की फुल्की हमें प्रॉब्लम है, सिर दर्द हुआ, डिस्प्रिन की गोली खा ली, डिस्प्रिन में क्या है, एस्प्रिन है। हमारे पेट में दर्द हुआ, हमने कोई गोली खा ली, मैं दवाओं के नाम आपको नहीं बताऊंगी। हम जाते हैं दवा वाले से, कहते हैं भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसकी कोई दवाई दे दो, मेरे को उल्टी का जी लग रहा है, उसकी कोई दवा दे दो, मेरे दस्त हो गए उसकी कोई दवा दे दो। और घर में किसी को पता होता है तो हम लोग आपस में एक दूसरे को बता देते हैं, अरे तेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है तू ये खा ले। बेटा सामान्य अवस्था में कोई बात नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में ये बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि इस बात को समझिए कि गर्भवती माता जिस भी चीज का सेवन करेगी वो रक्त के माध्यम से उसके शिशु तक अवश्य पहुंचेगा,
दवाओं में क्या होते हैं, विभिन्न रसायन होते हैं, तो दवाएं शरीर में घुलेंगी, रक्त के अंदर घुलेंगी, तभी तो हमारे शरीर पर प्रभाव डालेंगी, तो वो गर्भस्थ शिशु तक भी पहुंच जाती हैं, उस गर्भस्थ शिशु तक जिसके जिनको इन दवाओं की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसे पता चला लोगों को कि गर्भस्थ शिशु तक दवाइयाँ पहुँच जाती हैं? तो देखा गया सन 1960 के दशक में देखा गया बहुत सारे शिशु, देखिए आप चित्र में, बहुत सारे ऐसे शिशु पैदा हुए जिनके हाथ पांव पूर्णतः विकसित नहीं थे, या तो उनके स्थान पर ठूंठ थे या ठूंठ भी बिल्कुल। तो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात हुई कि एक साथ इतने सारे शिशु कैसे पैदा हो गए ऐसे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई, ये पहले नहीं होते थे। तब जब उनका अध्ययन किया गया, खोज की गई, तो पता चला कि जिन भी स्त्रियों के ऐसे शिशु पैदा हुए थे, उन सभी स्त्रियों ने थैलिडोमाइड नामक दवा का सेवन किया था। ये थैलिडोमाइड नामक दवा सुबह सुबह स्त्रियों को जो जी मिचलाने की समस्या होती है उसके निवारण के लिए और नींद के लिए उन लोगों को दी जाती थी। उस दवाई के सेवन से इतने सारे, कहते हैं उस समय अमेरिका में लगभग 20,000 शिशु ऐसे पैदा हो गए थे अकेले अमेरिका में, और भी कई देशों में उनका प्रयोग हो रहा था थैलिडोमाइड का, तो उन सब जगह पे हुआ। तो इतने घातक परिणाम देखकर हमारा चिकित्सा वर्ल्ड जो है वो एकदम से चौंक गया, और उसके ऊपर बहुत अध्ययन हुए, और इस बात से सिद्ध हो गया कि माँ जो दवा सेवन करती है वो शिशु के अंदर पहुँच जाते हैं और उसका कोई भी घातक परिणाम हो सकता है। ये तो मैंने आपको एक दवा के बारे में बताया। इसके अलावा देखा एस्पिरिन, एस्पिरिन हमारी बेटा जितनी भी दर्द निवारक दवाएं होती हैं उन सब में एस्पिरिन की मात्रा ज़रूर होती है। एस्पिरिन हमें हमारे दिमाग को रिलैक्स करके हमें सोने में मदद करती है, हमारे को दर्द की अनुभूति से मुक्ति दिलाती है। तो देखा गया है कि बहुत लोगों का आदत होती है, ले मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फट से गोली खा ली, जैसे दर्द सिर दर्द हुआ, जरा भी बियर करने की आदत नहीं, तुरंत गोली खा ली। तो ऐसे बच्चों का ऐसी जो माएँ होती हैं जो लगातार इसका इस्तेमाल करती हैं, उनके शिशुओं में भी कुछ समस्याएं देखी गई, जैसे जन्म के आसपास उनके मृत्यु होने की संभावना होती है। ठीक है, तो एस्पिरिन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। फिर चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि में कैफीन नामक एक रसायन पाया जाता है। ये कैफीन के का प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक देखा गया। इसके कारण बच्चों उनका में गर्भपात, बच्चे जो होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं देखने को मिली। तो दवाएं जो हैं वो शिशु के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए घातक होती हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान बिना चिकित्सक का परामर्श किए हुए कोई भी दवा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दवाओं से संबंधित मुझे एक चीज़ और मिली, हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं वैसे तो प्राकृतिक रूप से तो हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, लेकिन जब किसी को कोई समस्या होती है तो कृत्रिम हार्मोन का भी सेवन किया जाता है। जैसे आजकल आप देखते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, ये क्या हैं, कृत्रिम हार्मोन हैं। किसी लड़की के पीरियड नियमित नहीं आते हैं, मासिक धर्म नियमित नहीं आता, तो चिकित्सक उनको जो दवा देते हैं वो क्या होती हैं, हार्मोन से संबंधित होती हैं। तो ऐसे बहुत से कारक होते हैं जिनकी वजह से स्त्री हार्मोन का सेवन कर रही होती है। तो कभी कभी क्या होता है, स्त्री को पता ही नहीं चलता है, वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही है, गोली खा रही है, लेकिन उसका गर्भ ठहर गया, उसे पता भी नहीं होता, और वो लगातार उसका सेवन करती रहती है। ठीक है, तो उसके सेवन कर पता चलता है कि ऐसी स्त्रियों के जो शिशु हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे अविकसित हृदय और लिंग संबंधी विकार पाए गए। लेकिन अभी इस क्षेत्र में और भी अनुसंधान बहुत चल रहे हैं, क्योंकि गर्भ निरोधक गोली का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, इन पर अभी भी बहुत अनुसंधान चल रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने थैलिडोमाइड की तरह ही एक और गर्भपात से बचने के लिए स्त्रियों को 1945 से 1970 के बीच में अमेरिका में डाई इथाइल एस्प्रेस्ट्रॉल नाम का एक हार्मोन दिया जाता था।
आप गर्भपात से तो बच गए और स्त्री के शिशु का जन्म भी हो गया, देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। तो किसी के दिमाग में ये इतने लंबे समय तक इसका प्रयोग इसीलिए उतरा क्योंकि उसका पता ही नहीं चला। जब ये लड़कियां जो इस जिन स्त्रियों के शिशु हुए थे जिनमें लड़कियां हुई थी, वो लड़कियां जब बड़ी हो गई, किशोरावस्था में पहुंच गई, युवावस्था में पहुंची, तो देखा उनमें योनि के कैंसर की संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई और उनके गर्भाशय में भी विकार पाया गया। उनको गर्भ धारण करने में भी कठिनाई आ रही थी, जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया उनका गर्भपात हो गए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखी गई इसी तरह से। और फिर उनमें बाद में जाकर कैंसर की समस्या स्त्रियों की तरह जिनके पुरुष या नर लड़के पैदा हुए थे के भी बाल्यावस्था में तो ठीक रहे, लेकिन आगे जाकर इनमें शुक्राशय के कैंसर की बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए। तो ये हार्मोन भी कैसे ले रहे थे, दवा के रूप में ही ले रहे थे, लेकिन इनके भी घातक परिणाम उन लोगों को भुगतने पड़े। फिर आती हैं नशीले पदार्थ या दवाएं। दवाएं दवा मैं इनको इसलिए कह रही हूँ कि इनमें रसायन तो होते हैं, और क्या होता है कि जैसे नशे की आदि कभी कभी क्या होता है दवा के रूप में आरंभ की जाती है, लेकिन वो जैसे लड़कों को देखो तनाव हो रहा है सब, तो उन्होंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। धूम्रपान क्या है, वो भी एक नशा है। तो किस लिए किया, तनाव को कम करने के लिए ड्रग्स लेने लग जाते हैं लोग। हैं यहाँ पर ये ड्रग्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ बच्चों, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में ड्रग्स कहते हैं। तो ऐसे जो स्त्री गर्भकाल में नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, इन सब का जो उपयोग करती हैं, वो किस लिए करती हैं, तनाव और इर्ष्याद से मुक्ति पाने के लिए करती हैं, उनका प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर अत्यंत हानिकारक होता है। क्यों, जैसा मैंने पहले बताया था, नशीले पदार्थ माता के रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, रक्त प्रवाह में मिलकर शिशु के रक्त में पहुंच जाते हैं और शिशु के अंगों को में प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। क्या क्या प्रभाव होते हैं देखिए, जैसे कोकीन नामक एक नशीला पदार्थ है, वो उसमें देखा गया जो कोकीन के सेवन की वजह से शिशु मृत्यु दर में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। जिन स्त्रियों ने इसका सेवन किया था उनके अपरिपक्व मतलब पूरा समय हुआ नहीं, 9 महीने नहीं, जैसे 7 माह से बच्चे हो गए, उनका भार सामान्य भार से कम होता है। बच्चों बच्चे का जन्म भार एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है और चिकित्सक सबसे पहले शिशु का जन्म भार ही देखते हैं, क्योंकि जन्म भार से ये पता चलता है कि शिशु स्वस्थ है अथवा नहीं। तो एक सामान्य जन्म भार होना अति आवश्यक होता है। तो इन शिशुओं में क्या देखा गया, जन्म भार कम देखा गया और इनको श्वसन क्रिया में भी कठिनाई अनुभव होती थी, मतलब कठिन श्वास संबंधी समस्याएं भी इन शिशुओं में देखी गई और कई बार मृत शिशु पैदा होते थे। तो कोकीन का प्रभाव इतना गहरा देखा गया। दूसरी बात क्या देखी गई बेटा, कि जो नशे के व्यसनी होती हैं माता, जिनको नशे की आदत होती है, उन माताओं के जो शिशु पैदा होते हैं उनमें व्यसनियों वाले मतलब एडिक्टेड वाले लक्षण सारे दिखाई देते हैं। एडिक्टेड क्या होता है बच्चों, जब नशा किसी को भी किसी नशे की आदत होती है तो आपको पता है नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको गहन देखभाल की आवश्यकता होती है, चिकित्सक की आवश्यकता होती है। तो अब इस गर्भस्थ शिशु का बेचारे का कोई दोष नहीं है, लेकिन माँ ने नशा लिया, लगातार उसके रक्त में घुलकर शिशु तक पहुँचता रहा, तो शिशु को भी उस नशे की आदत हो गई। अब माता के गर्भ से बाहर आ गया जन्म के बाद, अब उसको तो कोई नशीला पदार्थ नहीं देगा ना, लेकिन उसको तो आदत है। तो एक नशे के आदि व्यक्ति को जो बेचैनी होती है वो उस शिशु में भी होती है, और वो कैसे दिखाई देती है, उनको हल्का हल्का बुखार रहता है, बेहद चिड़चिड़े होते हैं, उनको सोने में कठिनाई आती है, उनको नींद नहीं आती है, और जब वो रोते हैं तो इतनी तीखी और कर्णभेदी आवाज़ के साथ रोते हैं कि उनके आसपास कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो आप सोचिए इन बच्चों के साथ कितनी त्रासदी है, वो नशे का व्यसनी हो गया इसलिए वो बेचैन है,
उसकी माता नशे की आदि है, वो खुद की देखभाल नहीं कर पाती, वो इसकी देखभाल क्या करेगी जो खुद विषादग्रस्त है। तो माँ से उसको जो मिलना चाहिए वो भी इस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। फिर इसका खुद का व्यवहार हर वक्त चिड़चिड़ा है, ऐसे रोता है कि कोई और उसके पास आना पसंद ही नहीं करता। तो उस बच्चे को समस्या, शारीरिक समस्याओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के लिए भोजन पानी की तरह ही आवश्यक है कि उसको स्नेह और दुलार भी मिले। तो ऐसे बच्चों में जो भी घातक परिणाम देखे हैं वो बहुत सारे कारकों के मिले जुले परिणाम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने कारक मिलेंगे, ज़्यादा कारक मिल जाएंगे तो उसका परिणाम घातक होता है। तो ऐसे माताओं के शिशुओं में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। इसी तरह से देखा गया है कि अगर पिता नशा करता है तो उसका प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। और हमारे समाज में पुरुष ज़्यादा मिलेंगे आपको नशे के व्यसनी बजाय स्त्रियों के। तो पुरुष जो व्यसनी होते हैं बेटा, ऐसा देखा गया है कि जैसे कोकीन जो है ये शुक्राणुओं के साथ जुड़ जाता है और शुक्राणु के माध्यम से निषेचित डिंब में पहुंच जाएगा। निषेचित डिंब में पहुंच गया और उसी से शिशु का विकास हुआ, तो वो शिशु तक ये विकार लेकर पहुंच जाता है। इसलिए माता पिता दोनों को ही किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दवाओं में मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी बेटा, अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम शेष जो कारक हैं हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, चौमू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में से बोल रही हूँ।